और छोरो की हाल। तो आज अपन लोग खेलने वाले हैं रेनबो फ्रेंड रेस क्लिकर। अव्वल भी ये होने को तो ये वही पुराना रेस क्लिकर है, बट वेल इसके अंदर अपने पीछे पड़े होते हैं रेनबो फ्रेंड्स। वेल तुमने अभी अभी देखा ही था, एक रेनबो फ्रेंड मेरे पीछे पड़ लिया था और मेरे को गिरा दिया था। जी हाँ, तो मैं उससे बचते बचाते तेजी से भगते हुए रेस पूरी भी करनी है और साथ में विंस भी गेन करनी है ताकि तुम अंडे ओपन कर सको। ऑब्वियस सी बात है, ओके। सो वेल, अब कभी भी क्लिकिंग स्टार्ट हो सकती है। मैं फटाफट क्लिकिंग कर कुरा कर अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि अपन थोड़ी विंस गेन कर सके, ओके। देन मैं भैया थोड़ी बहुत अंडे ओपन करूंगा ताकि अपन तेज भग सके। वेल, यूजुअल रेस क्लिकर है, बस फर्क यह है कि इसके अंदर अपने पीछे रेनबो फ्रेंड्स पड़ते हैं। एंड वेल, एक और फर्क जो मेरे को बहुत पसंद आया, कलर ग्राफिक। As you all know, भाई मेरे को ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं गेम्स में, ओके। अगर गेम के ग्राफिक अच्छे हैं तो गेम मेरे को ऑटोमेटिकली ही अच्छा लगने लग जाता है। सो यप, ये गेम भी मेरे को ऑटोमेटिकली ही अच्छा लगने लग गया बिकॉज इसके ग्राफिक, भाई ग्राफिक देखो तुम, लिटरली इसके ग्राफिक मेरे को बेस्ट लगे है ना, मतलब बेटर भाई, बहुत मस्त, ओके। मतलब कार्टूनिश टाइप के ग्राफिक, भाई इसमें तो पूरी पूरी पेपर कार्टूनिश ग्राफिक वाली फील आ रही है। एंड ब्रदर, कम से कम रेस एक तो लैप पूरा कर लेंदे है, ऐसा तो पीछे पड़ता रहेगा तो हम कैसे अपनी रेसिंग पूरी करेंगे। बट खैर, ये अच्छी बात है कि इसमें एक टाइम में एक ही रेनबो फ्रेंड पीछे पड़ता है, अदरवाइज जिंदगी नरक हो जाती है। और भैया ये सूखड़ा पहलवान देखो, लिटरली भाई ब्रदर तुम बहुत देर से देख रहा हूँ मैं तुझे गेम में, एंड स्टिल तेरी स्पीड ना है, इवन तो मेरी स्पीड तेरे से बेटर है। मैं अभी अभी खेलना स्टार्ट किया मैंने, और बता दे जिंदगी क्या चल रही है तेरी, है तेरी जिंदगी में धक्कार है ब्रदर, इवन तो तू अभी भी मेरे से तेज ना भाग रहा। भाई ब्रो, रेसिंग वेसिंग ना कर भाई, तेरे को जरूरत है, हॉस्पिटल जा और अपने दवा वबा चढ़ा के आ भाई, भाई कुपोषित है तू ब्रो। क्यों नहीं, वाय क्यों क्यों है ब्रो तू इतना वीक, हाँ क्यों, खैर कोई दिक्कत नहीं है, अपन कहाँ थे। हाँ तो वेल, इसमें एक बार में एक ही रेनबो फ्रेंड पीछे पड़ता है, ऑब्वियस बात है। अगर तीन चार पढ़ लेंगे तो भैया ओले वल्टा लार, ऐसा तुम जनम रेस पूरी ना कर रहे फिर, ठीक है। खैर जो भी हो, अपन लोग आ चुके हैं फर्स्ट स्टेज, बोलो फर्स्ट स्टेज पूरी कर चुके हैं अपन, ठीक है। एंड अपने को मिल चुका है एक क्राउन। एंड भाई तुम्हें अंडा कितने में ओपन होगा? मेरे को यो ही देखते तो भाई 7 सेकंड में मैं पैसे पूरा नहीं कर सकता उसको, ठीक है, कम से कम देख के तसल्ली ले लेते हैं। तो इसके लिए अपने को चाहिए 10 क्राउन। आर यू गाइस किडिंग मी, नहीं भाई एक क्राउन करने में लिटरली 2 मिनट लग गए, 10 क्राउन मेरे कैसे होंगे पूरे यार। आई लव माई मॉम, यस ब्रो, सेम ईयर, बिल्कुल सेम ईयर, अपन भी ब्रो, अपन भी, ठीक है। ऑल राइट, ऑटो क्लिकर, बिकॉज आई डोंट थिंक भैया इसके बिना अपन इस को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, ऑटो क्लिकर, वाई नॉट एक्चुअली, ठीक है। एंड वेल, अब मेरी स्पीड देखो तुम, 581, ओके, नाउ वी आर डूइंग समथिंग एक्चुअली, ठीक है। मतलब एक लैप की बात कर रहे हो तुम, ये लो लिया पूरा, बट शेट अपने पीछे अब कभी भी वो रेनबो फ्रेंड पड़ सकता है, अपने को रुक के आना चाहिए था यार, हम वो पकड़ के मारेगा अलग से। शेट, आई डोंट वांट टू डाई, बट आ गया, इसका नाम क्या था, मैं नाम भूल गया उसका, नाम लिटरली मैं भूल गया इसका, ये तो पूरा कर लू मैं, है ब्रो इतने सबर ही नहीं छोरे में, बताओ कति है, मार के भग गया। अब आई डोंट थिंक भैया मैं चले जा ब्रोदर, तुझे यार मान ले कर कोई की, ब्रो तेरे को पोषण है, ठीक है, यू नीड सम दवाई, ठीक है, दुआ से तेरा कचू नहीं होने वाला ब्रो, तुझे दवाई चाहिए, ओके। हाँ छोड़ो, लीव इट, ठीक है, अब हम अपनी रेस पर फोकस कर लेते हैं, ओके। सो वेल, अपने पास टोटल हो चुके हैं 5 क्राउन एंड वी नीड 10, है ना, 10 चाहिए, देन अपन एक अंडा ओपन कर सकते हैं, राइट। अपने पास 50 सेकंड है और अपने सामने तीसरा गेट ऑलमोस्ट आने को ही है, तो यस अपन एक अंडा तो ओपन कर सकते हैं ना, एंड यस अपन लोग एक अंडा ओपन कर सकते हैं। एंड वेल एक्चुअली मैं लेवल 4 वाली स्टेज को पार नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो मुझे उसको पार करने की जरूरत भी नहीं है, एंड दूसरा मैं कर भी नहीं सकता, सो
नहीं अपन अंडा ओपन कर लेते हैं, कुछ ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। एंड वी गेट कॉमन ब्लू। वाओ जिंदगी ही बर्बाद है मेरी तो। वेट व्हाट, ये क्या है? अपन यहाँ पर ये व्हील स्पिन कर सकते हैं। डैम मैंने तब से देखा ही नहीं, बताओ यार मेरी आंखों को अलग ही मोतियाबिंद हो रहा है, बताओ। ऑलराइट बाय 400 यू स्पिन व्हील, स्पिन द व्हील फॉर अ चांस टू विन अमेजिंग रिवॉर्ड। हाँ ये फ्री ना है, माँ कसम ये फ्री ना है। ये तो तुम लोगों ने दिल दुखा देने वाली बात कर दी यार कति है, मतलब एक ट्राई तो फ्री होना चाहिए ना यार भाई, ये क्या बात हुई यार। और भाई 100 रोबक्स में घुमाओ इसको, ठीक है। एंड अगर नथिंग आ गया ना, मैं वहीं भैया दिल के दौरे से मर लूंगा। वाह क्या बात कर रहे हो तुम लोग बेवकूफ। ऑलराइट अपन इसको तो इक्विप कर लेते। उससे अपने को 300 पावर अप मिली। इसको क्राफ्ट भी कर सकते हैं अपन, सही है यार। और अब अपनी स्पीड भैया 816। यस मेरे हिसाब से अपन ये लेवल 4 या फिर 5 आराम से क्लियर कर लेंगे, देन अपन एक और अंडा ओपन कर पाएंगे। यस ऑलराइट, तो वेल अपने पास हो चुके हैं 12 क्राउन्स, तो यानी अपन अपने लिए एक और अंडा ओपन कर सकते हैं। वेल मुझे पता है मैं ये लेवल 4 वाला क्लियर नहीं कर सकता, सो फालतू में उधर टाइम पास करने का सेंस नहीं है। ओके अपन यहाँ जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। एंड वी गेट अगेन कॉमन, बट सही है अब अपनी स्ट्रेंथ बहुत हो चुकी है। ओके बैक टू हियर, कम टू हियर, इक्विप्ड एंड 300 और। यस अब अपनी स्पीड 616। हाँ टाइम ओवर हो, ऐसा बोलो ना टाइम ओवर हो गया यार। मैं खामा खा डर गया भैया कि मतलब कोई मतलब ही नहीं बना पैट को लेने का, मतलब वही 0 की 0। नहीं फर्क है एक्चुअली, ओके फर्क है। ऑलराइट अब अपनी स्पीड है भैया 1.28k। एंड भाई तो मैं अगले अंडे के लिए अपने को चाहिए 50। एंड देन रहने दो भैया, ये ना हो रहा मेरे पे वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, ओके उसमें मेरा घर जाएगा। ओके सो मैं एक्चुअली सही कहूँ, इसको डिसेबल कर दो और इसको रखो। भाई साहब फुल ट्रिपी फीलिंग, नहीं लिटरली ऐसा लगता है कि अपन भाग रहे हैं एक्चुअली में। तुम देखो खुद देखो यार, नहीं फीलिंग नहीं आ रही कि भाग रहे हैं अपन भाई, मेरे को लिटरली पूरी पूरी आ रही है यार। मतलब इन लोगों ने किया है भाई, शेट यार ये बंदा भी एकदम ट्रिपी है, बताओ लिटरली जब मैं पहुंचने वाला होता हूँ तभी ये हरकतें करता है ये लिटरली, ठीक है। हाँ खैर कोई बात नहीं, अपने पास हो चुके हैं 6 क्राउन, 10 पे अपन एक अंडा और ओपन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अपन कोड नहीं 3 बंदे इक्विप्ट कर सकते हैं, फिर हाँ 3 बंदे इक्विप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट 2 हो चुके हैं, एक और चाहिए बस मेरे को, और इस वाले के बाद मैं मेरे पास हो जाएंगे 11 क्राउन्स, राइट ऑफकोर्स। एंड वेल अपने पास अभी भी वही 36 सेकेंड है, एंड मैं ये चौथा रास्ता भी क्लियर करने वाला हूँ, और मैंने वो क्लियर कर दिया। एंड क्या मैं ये वाला रास्ता क्लियर कर पाऊंगा? वो बंदा वहाँ है एंड मैं यहाँ हूँ, क्या मैं ये पूरा कर पाऊंगा या फिर उसको पूरा करने से पहले वो बंदा मेरे को ठोक के चला जाएगा? उसकी स्पीड एक्चुअली ज़्यादा है, मेरी कम है, ठीक है। बट वेट करो, वीडियो के ओवर होने से पहले पहले उस बंदे से तेज भग के बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। एंड अपन ये वाला रास्ता भी क्लियर कर जाएंगे, यस वी कैन एक्चुअली, ठीक है वी कैन। तो वेला अपन लोग ओपन करेंगे 2 अंडे, यस ऑफ कोर्स 2 अंडे, ठीक है 2 अंडे, 2 अंडे। बट यार एक तो साली स्पीड इतनी ज्यादा ना लिटरली, मतलब भाई दिख ही नहीं रहा कछु जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। एपिक दे दो प्लीज, सरप्राइज सही है, एपिक तो भैया क्यों ही देंगे ये लोग। बट यार जो भी हो ये बंदा भी बुरा नहीं है ना, अपने को एक और कॉमन बंदा मिल चुका है। एंड अगर अपने पास एक और हो जाए तो अपन इस बंदे को क्राफ्ट कर सकते हैं। आई एम प्रेटी श्योर कि क्राफ्ट होने के बाद ये बंदा बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, ठीक है बहुत ही ज्यादा। अपन इसको गोल्डन कर सकते हैं एक और के बाद, है ना। क्या किया जाए इस वाली रेस के बाद, एक और अंडा ओपन किया जाए? आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, नहीं या लेट्स डू दिस एक्चुअली, ठीक है लेट्स डू दिस। अगर ये बंदा नहीं गोल्डन होने के बाद वीक बन गया और मेरे 3 बंदों का नुकसान हो गया ना, मैं सदमे में मर लूंगा, ठीक है। एंड आई नो मुझे कॉमन ही मिलेगा, बस मैं जानता हूँ सब कुछ, ठीक है मैं सब कुछ जानता हूँ। ओके ऑलराइट आ जा ब्रो, उधर तुझे क्राफ्ट कर दूँ एंड तेरी
1.2 के। देखो मैं 300 वाले तीन इक्विप्ट कर सकता था, यानी 900, एंड 1.2 के मींस 300 एक्स्ट्रा। ये सही है एक्चुअली, है ना, ये लिटरली बहुत सही है एक्चुअली, है ना। ऑलराइट, एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर ग्राइंड कर लेते हैं। मेरे हिसाब से अपने को इसको इक्विप्ट कर लेना चाहिए ऑफकोर्स। एंड वेल, अब मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, अपन लोग कर लेते हैं बहुत बहुत सारे क्राउन्स, ठीक है, ताकि अपन और बंदे क्राफ्ट कर सके, ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो मेरे दिमाग में आ रहा है एक काम कर लेते हैं, अपने पास 3 क्राउन है और 10 में 1 अंडा ओपन होता है, ठीक है, 5 करूंगा तो नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से अपने को कर लेने चाहिए एटलीस्ट भक्तोले ब्रो, एटलीस्ट। ओके, सो वेल, अपने को ना मेरे हिसाब से कितने करूँ? अरे भगले यार ब्रो, तू कत ही निर्लज है यार, बता, हद है यार, भगता भी नहीं है। ओके, सो मेरे हिसाब से अपने को कर लेने चाहिए एटलीस्ट 80 क्राउन्स, ठीक है, देन अपन 8 अंडे ओपन कर सकते हैं, और नसीब रहा तो एपिक मिलेगा, नहीं तो कॉमन तो मिलेगा ही, ठीक है, एंड देन बाद में उस कॉमन बंदे को अपन लोग, यस यू आर राइट, क्राफ्ट कर लेंगे। तो वेल, अब अपने पास हो चुके हैं 94 क्राउन्स, एंड वेल, अब मेरे दिमाग में आ रहा है एक काम कर लेते हैं, अपन लोग इसको कर लेते हैं 100, एंड देन अपन ओपन करेंगे 2 50 वाले अंडे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उन 10 वाले अंडों में से अपने को कुछ खतरनाक मिल सकता है। ओके, एंड वेल, अगर मिल भी जाता है तो अपने को उसके लिए उसको क्राफ्ट करना पड़ेगा, देन वो ज़्यादा पावरफुल बनेगा, ठीक है, बट अगर अपन लोग इंस्टेड ऑफ दिस 50 वाला अंडा ओपन करें, तब अपने साथ कुछ एपिक हो सकता है, ठीक है। सो यस, अपन वही करेंगे, एंड एज यूजुअल रेस क्लिकर की तरह इसमें भी अपन लोगों की क्लिक मल्टीप्लाई होती जाती है, लाइक पहले राउंड में इतनी तो दूसरी राउंड में उतनी, लाइक दैट एक्चुअली, ठीक है। ऑलराइट, बहुत पंचायत कर ली, बहुत बकेती कर ली, आ जाते हैं और ओपन कर लेते हैं ये वाला अंडा, जिसमें लेजेंडरी भी मिल सकता है, बट अपने को नहीं मिलेगा। ओह, आई लाइक इट, आई टोटली लाइक इट, ठीक है, अपने को इसमें मिला एक एपिक बंदा, मुझे एक्चुअली में ये पसंद आया, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ अब बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा, नहीं हद से ज्यादा। और ये बंदा देखो कैसे चिपका पड़ा है, मारेगा ही, मुझे पता है ये मारेगा हमको, ठीक है, ये उसी फरात में बैठा है कि कब ये भागे और कब मैं इनके पीछे भागूं, ठीक है। ऑलराइट ब्रो, तू आता रही हो तो चिल मार वहां पर, 900, नॉट मच एक्चुअली, में नॉट मच एक्चुअली, है ना, क्राफ्ट कर लेता तो ज्यादा सही रहता, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ब्रो, तेरी स्पीड दिखा मेरे को, नहीं ब्रो, इस स्पीड में आएगा ना तो मैं लिटरली तेरा हाथ इस जन्म में तो नहीं आ रहा। ओके, अ फ्यू इंचेस लेटर, भाई मेरे को लगता है बंदे ने बात को सीरियसली ले लिया, नहीं मैंने कहा भैया उसी स्पीड में, इसने स्पीड बढ़ा ली भाई, इसने एक्चुअली में स्पीड बढ़ा ली अपनी, ऐसे तो नहीं होता यार, ये तो बेईमानी है, ठीक है, ये सरासर चीटिंग है। ओके, ऐसे कहीं पे भी नहीं होता। ओके, एक्चुअली काम कर लेते हैं अपन लोग, अब ये रेस पूरी करें, हाँ मतलब 10 मिल जाएंगे तो क्या ही नुकसान जा रहा है, कर लेते हैं। और वेल, उसके अलावा अपने पास अब हो जाएंगे अराउंड 70, राइट, देन अपन लोग मैं एक्चुअली ये वाली रेस भी पूरी कर लेता हूँ, देन अपने पास 75 हो जाएंगे, और देन अपन लोग, यस यू आर राइट, थोड़ी बहुत अंडे ओपन कर लेते हैं, ताकि अपन लोग उनको बाद में क्राफ्ट कर सके, एंड देन बाद में अपन खुद भी स्ट्रॉन्ग बन सके। तो मैं एक्चुअली काफ़ी सारे अंडे ओपन कर लेता हूँ, मिलना कॉमन ही है ये मुझे पता है ना, एपिक तो नहीं दोगे तुम लोग, हरामी हो, दैट्स वाई हरामी हो। अनकॉमन मिल गया, चलो सही, एक अनकॉमन इतने सारे कॉमन्स के बाद, बट अब भैया सिर्फ अनकॉमन ही अनकॉमन देंगे ये लोग, अब बात इन लोगों ने बात ईगो पे ले ली कि ना भाई तूने कैसे कह दी, अब तो तू अनकॉमन ही अनकॉमन ले। ओ, एपिक भी दे दिया, ओके, नॉट बैड नॉट बैड, हाँ ये जरूरी है, ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है। ऑलराइट, पहले अपनी क्लिकिंग का काम पूरा कर लेते हैं, बिकॉज भैया क्लिकिंग से भी अपने को 1-2 हज़ार का ना डिफरेंस आता है, तो वो नहीं छोड़ सकते अपन। ओके, वो जरूरी है, वो करना ही पड़ेगा। ओके, एंड मुझे ऐसा कि क्या हो रहा है, मतलब ठीक है, वैसे बुरा भी नहीं है,
सही जा रहे हैं अपन लोगों ने अपना बेस्ट रिकॉर्ड ही बीट कर दिया। ऑलराइट, अब बारी है इन बंदों को क्राफ्ट करने की, जो मैं नहीं कर सकता। वाओ, इस बंदे की 900 है, इस बंदे की भी 900 है, इसको कर देते हैं यानी इक्विप्ड, और इसको कर लेते हैं इक्विप्ड क्योंकि ये पावरफुल है थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ऑलराइट, व्हाटएवर, जो करना है करो। अब एक्चुअली मैं काफ़ी सारे 50 वाले अंडे ओपन करूंगा, मैं एक्चुअली उनको क्राफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब अपने पास हो चुके हैं 4.45K crowns, यानी फिर भैया वहाँ पर लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आई गेस मैं ये रेस भी पूरी करने वाला हूँ क्योंकि वेल मैंने लिटरली अभी तक कोई भी पैट वगैरह ओपन नहीं किया है। ये जितनी भी मेरी स्पीड आ रही है, ये सारी की सारी मेरे को आ रही है उसी से, क्लिकिंग से, लिटरली क्लिक मल्टीप्लायर से मेरे को इतनी स्पीड मिल रही है। ओके, एंड वेल मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, अपने पास टोटल हो चुके हैं 7.46K, तो लेट्स जस्ट ओपन सम अंडे। 2000 नहीं, मैं बहुत रईस हूँ, पर तेज भी जाता हूँ कछु, थोड़ा स्लो बेटा प्लीज। 10,000, मैं एक्चुअली ये 2000 वाले दो तीन अंडे ओपन कर लेता हूँ, एक्चुअली दो तीन। ओ नाइस, वी गेट रेयर वन एक्चुअली, है ना। ओके ओके, सही है, एक और अंडा ओपन कर सकते हैं और देन अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लिटरली कति फ्लैश। एंड वेल बिना इन पैट के भी अपनी स्पीड बहुत अच्छी आने वाली है, तुम देख सकते हो अपने को मिल रहे हैं प्लस 20 क्लिक्स पर सेकेंड, एंड वेल प्लस ऑटो क्लिकर, यानी कतई खतरनाक। एंड अब अपनी टॉप स्पीड है 15,000, 15.15। भाई ये कोइंसिडेंस है या फिर क्या है, मतलब व्हाट? ओके, तो अब अपनी स्पीड है 15.15। एंड अगर मैं इन बंदों को कर देता हूँ अनइक्विप्ड और देन मैं ट्राई करता हूँ अपने नए बंदों को 1.7K, स्ट्रॉन्ग है ब्रो तू, ठीक है, 1.5K, ज़्यादा खासी स्पीड नहीं है बट स्टिल बेटर है, ठीक है। एंड वेल, अब अपनी स्पीड है 16.85K, या आई नो मतलब ज़्यादा खासी स्पीड नहीं है बट स्टिल वी आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अपन सेकंड पोजीशन में आ गए सर्वर में, तुम देख सकते हो अपनी टॉप स्पीड है, स्पीड के मामले में अपन लोग हैं या टॉप 4 में। यस, वी आर स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली वी आर स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड मैं सोच रहा हूँ एक काम कर लेते हैं, पीछे चलकर अपन एक और अंडा ओपन कर लेते हैं 2000 वाला, क्राफ्ट करूँ इनको, मैं यही सोच रहा हूँ क्राफ्ट करूँ या ना करूँ। एक्चुअली काम करते हैं, कर ही लेते हैं, ठीक है, मतलब भाई पैसा बहुत हो चुका है मेरे पास। ओके, एंड मेरे पास आई गेस ये येलो वाले दो हैं बंदे, है ना, दो हैं, और अगर मैं तीन और मिल जाए, ये मेरे को, ये कॉमन है बाय द वे, अगर ये मेरे को तीन और मिल जाए तो अपन और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, राइट। अपने पास हो चुके 7 point something, तो एक्सेप्ट ब्रो, दे तू मुझे क्या देगा ब्रो, आई एक्सेप्ट दिस, मैं तेरे को ये ऑफर दे रहा हूँ ब्रो, ठीक है, ये मेरे पुराने बंदे हैं जिनकी मेरे को कोई नीड नहीं है, तो अगर तू इनको ले भी जाता है तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सो एंजॉय। उसको लिटरली पता भी नहीं चल रहा कि होगी ट्रेड, आई गेस सो हो गई। ओके व्हाटएवर, सही है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, किसी का फायदा हो गया सानू की, है ना। ऑलराइट, तो उस अंडी की कीमत है 10,000। ओके, इसमें कुछ खतरनाक मिल सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है, बट मैं अभी के लिए एक्चुअली यही अंडे ओपन करना चाहता हूँ, प्लीज तीनों एक जैसे चाहिए प्लीज। हाँ, ये तुम्हारा बेड़ा का रखो सालो। डैम, वी गेट लेजेंडरी वन, वी गेट लेजेंडरी, ये हुई भाई लिटरली कोई बात, है ना। बट यार यहाँ पर सारे पैट्स एक जैसे हैं, ये मेरे को कुछ पसंद नहीं आया, बट ठीक है चलो कोई बुराई नहीं है ना, इसको कर देते हैं इक्विप्ड एंड 2.55K। यस बॉय, यू आर एक्चुअली में पावरफुल, ठीक है, यू आर एक्चुअली, ओके, सही जा रहे हैं अपन लोग। तो अगर अपन लोग इन येलो वालों को क्राफ्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते बिकॉज वी नीड और, क्राफ्ट कर सकता हूँ ना, यस ऑफ कोर्स, हाँ, तो अपन नहीं कर सकते क्योंकि अपने को और चाहिए जो अपने पास है नहीं है। तो अब एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ एक काम कर लेते हैं, अपन लोग ओपन करने अपन लोग अनलॉक ओपन कर लेते हैं 10,000 वाले अड्डे क्योंकि वो और भी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। सो एक काम करते हैं, अपन लोग खोल लेते हैं 3 अंडे, ठीक है, ताकि अपने पास 3 बंदे आ जाएं और देन अपन उनको बहुत ही स्ट्रांग कर ले, ठीक है। सो यस, 30,000 इनफ होनी चाहिए मेरे हिसाब से।
ऑलराइट, तो वेल अब अपने पास हो चुके हैं 30,000 crowns एंड वेल उसके अलावा मेरी स्पीड 71.56 के। भाई मैं इतना तेज हो चुका हूँ कि लिटरली मैं अब इन रेनबो फ्रेंड्स के एक्चुअल में पीछे जा सकता हूँ। ओके मैं एक्चुअली में इनको पीछे से जाके थप्पा कर सकता हूँ। और ब्रो नहीं अभी कोई ट्रेडिंग नहीं, अभी फोकस भाई गेम पे। ठीक है भाई मेरी स्पीड देखो तुम, लिटरली मैं पूरी मतलब अपनी स्पीड भी अचीव नहीं कर पा रहा इतना तेज हूँ। कैन यू इमेजिन दिस, ये जस्ट मेरी क्लिकिंग की पावर है। पैट्स की 2.55 के, 1.7 के एंड 1.5 के। अब भैया इनसे मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं, नहीं मतलब मैं क्यों मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ, मैं क्यों इतना दुखी हूं अपनी जिंदगी से भाई। मतलब आई एक्सपेक्ट कि भाई इस गेम में मजा आएगा, बट इन लोगों ने खुद से ही भैया गेम ब्रोकन बना दिया। बताओ कोई क्या ही करे करे, तो क्या ठीक है भाई। तो भाई ये क्या चीजें हैं, कैन आई बाय दिस? ऑफ कोर्स, मतलब क्यों मैं बाबड़ा हूँ नहीं, मैं क्यों करूँ ये सब। और ये कमिंग सून बता रहा है, मतलब आया नहीं अभी है ना। या ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। ऑलराइट अपन एक काम कर लेते हैं, 10,000 वाले 3 अंडे ओपन कर लेते। ओ इग्नोफीड, आप सारे ही लेजेंडरी है यार। मैं घुस भैया कि भैया लेजेंडरी मिल गया, नहीं सारे ही लेजेंडरी है यार, कम ऑन। अपने को तीनों वैरायटी के एक एक बंदे मिल गए। जिंदगी में कछु नहीं चल रहा। ठीक है इसकी स्ट्रेंथ है 2.55 के और सेम इस तेज, ज़्यादा नहीं है ज़्यादा नहीं है, यानी ये गेम एक्चुअली में ब्रोकन है। ओके या एक्चुअली में ब्रोकन है, कोई नहीं ब्रो तेरी नीड नहीं है मेरे को, तू आ जा ब्रोदर। और ओ क्लिकिंग स्टार्ट हो गई, कब की? डैम मुझे बताया भी नहीं इन लोगों ने यार, ये तो बहुत ही गलत बात है यार, ये तो एब्सोल्युटली कतई गलत बात है यार। ऑलराइट तीनों लेजेंडरी एंड तीनों ही हैवी लेवल की, और उसके अलावा यहाँ पे कोई और नया अंडा है?